Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share. You are watching News DNN. For latest national and international news updates, log on to newsdnntv.com. Or download our application News DNN from Google Play Store. अमृतसर पुलिस ने सिविल लाइन एरिया के 3 मसाज सेंटर पर छापामारी कर वहां से 13 युवक और 12 युवतियों को गिरफ्तार किया। उन पर बदकारी एक्ट के मामले दर्ज किए हैं। पकड़ी गई युवतियों में 8 युवतियां विदेशी हैं, जो टूरिस्ट वीजे पर भारत पहुंची थी। पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिक सहित सभी पर मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। सूत्रों को तलाह मिली सी कि जिहड़ा थाना सिविल लाइन एरिया कोई मसाज सेंटर ने यह मसाज सेंटर की आड़ बदकारी का धंधा करते हैं, जो सीनियर अफसर की हदायतों से मुखबर खास वालों मिली इतलाह से जरा अभी निगरानी रखी जा रही थे। इतने जो कल 3 स्पा सेंटर से वक् वक् टीम बना के रेड किए गए हैं, जिस कुल 13 लड़के 12 लड़कियां जिहड़ियां मसाज सेंटर इतराजयोग हालत बदकारी का धंधा करते हुए काबू किए हैं। इन्हों के खिलाफ असी 3 वक् वक् मुकदमे दर्ज किए हैं, 13 लड़कियों को गिरफ्तार किया। लड़कियां कितों आईया सी, विचों इन्हां चों किन्नियां विदेशी लड़कियां सी, किन्नियां इंडियन सी? कुल 12 लड़कियां जी, इन्हां विचों 8 लड़कियां थाईलैंड दीआं ने, जिहड़ियां टूरिस्ट वीजे ते आईआं ने, ते जिहड़ा इत्थे वर्क परमिट कर रहीआं सी ते दूजियां 4 लड़कियां जिहड़ियां हैगीआं ने इंडियन। इन्हां दा समां किन्ना कि रह गया है जी हुण तक वीजे दा? इहदे बारे असीं इमीग्रेशन डिपार्टमेंट तों पता कर रहे हैं, एफआरआर नूं चिट्ठी लिख दित्ती है। किन्ने चिर तों सारा इह आईआं जी इत्थे? ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆ ਗਈਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਟੇਲਾਂ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਆਫਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੇਟ ਨੇ, 1000, 1500, 2000, 3000 ਤੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਅਤੇ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਰ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ? 13 ਲੜਕੇ 12 ਲੜਕੀਆਂ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੋਟਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ।